दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने वाली है, अमेरिका में बैलेंस शीट भी वो कम करेंगे, बॉन्ड भी बेचेंगे, महंगाई भी बढ़ रही है, हमारे यहाँ भी सब समस्या है, एफआई भी देख रहे हैं, लेकिन क्या हम मार्च 2020 में? नहीं सर, बिल्कुल, जब सब कुछ ठप था, सब कुछ बंद था, सब कुछ खराब था, नो डाउट मार्च 2020 में निफ्टी भी ये नहीं था जी, लेकिन गिरे हम 12,000 से थे, 12,400 से गिर के 7,500 पहुंचे, और तब ये था फर्क एक ही है बस दीप, यही कि मार्च 2020 के लेवल अलग थे जी, ये लेवल अलग है, करेक्ट सर, तो लेवल के हिसाब से वहां कंफर्ट नहीं है जी, लेकिन इतना खराब मूड माहौल नहीं कि हम मतलब बिल्कुल मतलब एफआई सिर्फ 33% लोन पे जा रहे हैं, 33% पे लोन पे जाने पे आपके पास दो ही ऑप्शन है जी, या तो आपने इंडिया को ऐसा मार्केट समझा कि हाँ आज के बाद हमें यहाँ नहीं पैसा लगानी है, तब तो आप जीरो करके थैंक यू वेरी मच निकल गए, हमने पैसा बना लिया 7,500-8,000 पे, खैर वो उस समय भी एफआईजी बेच रहे थे, घरेलू फंड ने खरीदा, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कोई नीचे में बहुत खरीदा हो, करेक्ट, एक तो ये कि आप बेच के निकल गए, अब हमें वापस नहीं आना, ऐसा तो कोई एफआईज बहुत ज्यादा होंगे नहीं जी, हार्डली कोई मिल जाए, सबको इंडिया स्टोरी पे भरोसा है, एब्सोल्युटली, भाव से किसी भी रीजन से उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी थी कर दी, अब इंडेक्स में लॉन्ग पोजिशन ही आपकी कम है, एक ही चीज इसमें और है जी, लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में कम हो गई है, स्टॉक्स अभी भी उनके पास है, सो पॉजिटिव आप देखेंगे तो क्या है कि इंडेक्स तो और नहीं बेचेंगे, अगर इंडेक्स नहीं बेचेंगे तो इंडेक्स पे तो प्रेशर कम पड़ा, स्टॉक रिलेटेड जो सेलिंग है वो तो आ सकती है, उसको आप मना नहीं कर सकते, लेकिन इंडेक्स के लिहाज से अगर आप मार्च के बाद अप्रैल के बाद अभी लोएस्ट लेवल पर जा रहे हैं, जो सबसे मतलब लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे हमने सीरीज की शुरुआत की थी वो थी मार्च की, जो 14% एफआईज लॉन्ग थे, फरवरी में 17% थे और अप्रैल में 30%, तो अप्रैल 2020 के बाद अभी आप वापस वहां आ गए, लगभग 2 साल बाद में आप इतनी लोएस्ट पोजीशन, और वहां से तेजी हुई है, जबरदस्त है, करेक्ट, तो एक सबसे बड़ा कारण है कि एफआईज इंडेक्स लेवल पर बहुत हल्के, अब स्टॉक्स कितना बेचते हैं ये तो एक अलग बात है, बट स्टॉक्स भी बेचने में क्या है, जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, ट्रेडिंग करने वाले फंड्स हैं, वो बेच रहे हैं, वो बेच सकते हैं, लॉन्ग ओनली फंड्स वो इन लेवल पर आकर बेचेंगे, इसकी संभावना कम है, सो मेरे ख्याल से आज के लिए इस सीरीज की शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर यह है कि जिनसे सबसे ज्यादा डर है वही हल्के हैं।